अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। साथियों, आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवध क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपयों के विकास कार्य करा रही है, अयोध्या को स्मार्ट बना रही है। आज अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, नए फुटपाथ बन रहे हैं, आज अयोध्या में नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। अयोध्या को आसपास के जिलों से जोड़ने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है। साथियों, आज मुझे अयोध्या धाम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने हमें रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया। महर्षि वाल्मीकि के लिए प्रभु श्री राम ने कहा था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुमरे हाथा। अर्थात हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैर के समान है। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम एयरपोर्ट का नाम, इस एयरपोर्ट में आने वाले हर यात्री को धन्य करेगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वो ज्ञान मार्ग है जो हमें प्रभु श्री राम से जोड़ती है। आधुनिक भारत में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। जो ये नया एयरपोर्ट बना है उसकी क्षमता हर साल 10 लाख यात्रियों को सेवा करने की क्षमता है। जब इस एयरपोर्ट के दूसरे चरण का काम भी पूरा हो जाएगा तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल 60 लाख यात्री आ जा सकेंगे। अभी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 10-15 हजार लोगों को उनकी सेवा करने की क्षमता है। स्टेशन का पूरा विकास होने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 60 हजार लोग आ जा सकेंगे। साथियों, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशनों के अलावा आज यहां अनेक पथों का, मार्गों का भी
लोकार्पण हुआ है। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ से आवाजाही और सुगम होगी। अयोध्या में आज ही कार पार्किंग स्थलों का लोकार्पण किया गया है। नए मेडिकल कॉलेज से यहां आरोग्य की सुविधाओं को और विस्तार मिलेगा। सरयू जी की निर्मलता बनी रहे इसके लिए भी डबल इंजन सरकार पूरी तरह समर्पित है। सरयू जी में गिरने वाले दूषित पानी को रोकने के लिए भी काम शुरू हुआ है। राम की पैड़ी को एक नया स्वरूप दिया गया है। सरयू के किनारे नए नए घाटों का विकास हो रहा है। यहां के सभी प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार भी किया जा रहा है। लता मंगेशकर चौक हो या राम कथा स्थल, ये अयोध्या की पहचान बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में बनने जा रही नई टाउनशिप यहां के लोगों का जीवन और आसान बनाएगी। विकास के इन कार्यों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इससे यहां के टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, ढाबे वाले, प्रसाद वाले, फूल बेचने वाले, पूजा का सामग्री बेचने वाले, हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई, सभी की आय बढ़ेगी। मेरे परिवारजनों, आज यहां आधुनिक रेलवे के निर्माण की तरफ एक और बड़ा कदम देश ने उठाया है। वंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आधुनिक ट्रेन देश को मिली है। इस नई ट्रेन सीरीज का नाम अमृत भारत ट्रेन रखा गया है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनों की ये त्रिशक्ति भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रही है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि पहली अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से गुजर रही है। दिल्ली दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली यूपी बिहार के लोगों की यात्रा को आधुनिक बनाएगी। इससे बिहार के लोगों के लिए भव्य राम मंदिर में विराजमान विराजने जा रहे रामलला के दर्शन को और सुगम बनाएगी। ये आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार, हमारे श्रमिक साथियों को बहुत मदद करेगी। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अर्थात दूसरों की सेवा करने से बड़ा और कोई धर्म, कोई और कर्तव्य नहीं है। आधुनिक अमृत भारत ट्रेनें गरीब की सेवा इसी भावना से ही शुरू की गई है। जो लोग अपने काम के कारण अक्सर लंबी दूरी का सफर करते हैं, जिनकी उतनी आमदनी नहीं है, वे भी आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक सफर के हकदार हैं। गरीब के जीवन की भी गरिमा है। इसी ध्येय के साथ इन ट्रेनों को डिजाइन किया गया है। आज ही पश्चिम बंगाल और कर्नाटका के साथियों को भी उनके राज्य की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। मैं इन राज्यों को भी अमृत भारत ट्रेनों की बधाई दूंगा। मेरे परिवारजनों, विकास और विरासत को जोड़ने में
वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काशी के लिए चली थी, आज देश के 34 रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है। काशी, वैष्णो देवी के लिए कटरा, उज्जैन, पुष्कर, तिरुपति, शिरडी, अमृतसर, मदुरई, आस्था के ऐसे हर बड़े केंद्रों को वंदे भारत जोड़ रही है। इसी कड़ी में आज अयोध्या को भी वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिला है। आज अयोध्या धाम जंक्शन, आनंद विहार वंदे भारत शुरू की गई है। इसके अलावा आज कटरा से दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली, कोयम्बटूर बेंगलुरु, मंगलुरु मड़गांव, जालना मुंबई, इन शहरों के बीच भी वंदे भारत की नई सेवाएं शुरू हुई है। वंदे भारत में गति भी है, वंदे भारत में आधुनिकता भी है और वंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्व भी है। बहुत ही कम समय में वंदे भारत से 1.5 करोड़ से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। विशेष तौर पर युवा पीढ़ी को ये ट्रेन बहुत पसंद आ रही है। साथियों, हमारे देश में प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्राओं का अपना महत्व रहा है, अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। बद्री विशाल से सेतुबंध रामेश्वरम की यात्रा, गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा, द्वारकाधीश से जगन्नाथपुरी की यात्रा, द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा, चार धामों की यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, कांवड़ यात्रा, शक्ति पीठों की यात्रा, पंढरपुर यात्रा, आज भी भारत के कोने कोने में कोई न कोई यात्रा निकलती रहती है। लोग आस्था के साथ उनसे जुड़ते रहते हैं। तमिलनाडु में भी कई यात्राएं प्रसिद्ध हैं। शिवस्थल पाद यात्री रही, मुरुगनंकु कावड़ी यात्री रही, वैष्णव तिरुपति यात्री रही, असमन तिरुत्तल यात्री रही, केरला में सबरीमाला यात्रा हो, आंध्र तेलंगाना में मेदाराम में समक्का और सरक्का की यात्रा हो, नागोबा यात्रा, इनमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुड़ते हैं। यहां बहुत कम लोगों को पता होगा कि केरला में भगवान राम और उनके भाइयों भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के धाम की भी यात्रा होती है। ये यात्रा नालंबम यात्रा के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा देश में कितनी ही परिक्रमाएं भी जारी रही है। गोवर्धन परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, ऐसी यात्राओं और परिक्रमाओं से हर भक्त का ईश्वर के प्रति जुड़ाव और मजबूत होता है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर की यात्राएं होती हैं। राजगीर बिहार में बुद्ध अनुयायियों की परिक्रमा होती है। जैन धर्म में पावागढ़, समेत शिखर जी, पालीतना, कैलाश की यात्रा हो, सिखों के लिए पंच तख्त यात्रा और गुरुधाम यात्रा हो, अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट से परशुराम कुंड की विशाल यात्रा हो, इनमें शामिल होने के लिए श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ जुड़ते हैं। देश भर में सदियों से हो रही इन यात्राओं के लिए वैसा ही समुचित इंतजाम भी किए जाते हैं। अब अयोध्या में हो रहे ये निर्माण कार्य यहां आने वाले हर राम भक्त के लिए, अयोध्या धाम की यात्रा को, भगवान के दर्शन को और आसान बनाएंगे। साथियों,
ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए, लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है। मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए, प्रभु राम जी को तकलीफ हो, ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें, 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, एक साल के बाद आए, दो साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे, और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा। साथियों, आज मेरा एक आग्रह मेरे अयोध्या के भाई बहनों से, आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के लिए तैयार होना है। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे, लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं,
अपनी अपनी सुविधा से आएंगे, कोई एक साल में आएगा, दो साल में आएगा, दस साल में आएगा, लेकिन लाखों लोग आएंगे और ये सिलसिला अब अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इसलिए अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है और ये संकल्प है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है। मैं आज देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रह दोहराऊंगा, देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। साथियों, अब से कुछ देर पहले मुझे अयोध्या नगरी में ही एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन की 10 करोड़वीं लाभार्थी बहन के घर मुझे जाकर के चाय पीने का मौका मिला। जब 1 मई 2016 को हमने यूपी के बलिया से उज्ज्वला योजना शुरू की थी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये योजना सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचेगी। इस योजना ने करोड़ों परिवारों का, करोड़ों माताओं बहनों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया है, उन्हें लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाई है। साथियों, हमारे देश में गैस कनेक्शन देने का काम 60-70 साल पहले शुरू किया गया था, 6-7 दशक पहले, लेकिन 2014 तक हालत ये थी कि 50-55 साल में सिर्फ 14 करोड़ गैस कनेक्शन ही दिए जा चुके थे, यानी 5 दशक में 14 करोड़, जबकि हमारी सरकार ने एक दशक में 18 करोड़ नए गैस कनेक्शन दिए हैं। और इस 18 करोड़ में 10 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए गए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। जब गरीब की सेवा की भावना हो, जब नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है, इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। आजकल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है। मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करने के लिए जीवन खपा देता है। मोदी की गारंटी पर आज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है और मैं आज
अयोध्या के लोगों को फिर से विश्वास दूंगा कि इस पवित्र धाम के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। श्री राम हम सभी पर आशीर्वाद रखे, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबको विकास कार्यों की बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए, आपका होना, आपका आना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें की, देशवासियों से प्रार्थना की है 22 जनवरी को श्री राम ज्योति जलाएं, अपने घर पर ही सभी लोग अपने घर पर दीपावली मनाएं। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान प्रभु श्री राम की, अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात भी कही है। वहां पर मौजूद सभी लोगों से, अयोध्यावासियों से, देशवासियों से पीएम मोदी ने प्रार्थना की है कि 22 जनवरी को श्री राम ज्योति जलाएं सभी अपने घरों में।